Hello students, myself Rajiv Atri. Welcome back with a new topic, conservation of linear momentum. Students, हमने 11th class के first chapter में चार fundamental conservation theorem पढ़ी हैं, जिसमें कि conservation of linear momentum भी एक topic था. इसका proof करेंगे. वैसे तो 9th class में भी आपने इसका एक proof देख रखा है, कर रखा है. एंड 11th क्लास में भी इसी थ्योरम का एक प्रूफ है. मैंने एक कोलिजन कंसिडर किया है, जिसकी हेल्प से मैं एक लीनियर मोमेंटम को थ्रू आउट द सिस्टम कंजर्व प्रूव करके दिखाऊंगा. एक सिस्टम कंसिडर किया जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है. ओके, ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है. अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे टाइप का सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इट मींस फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, जो ये फील कर पा रहा है थ्रू आउट दिस कोलिजन, एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, जो दूसरा मास फील कर पा रहा है थ्रू आउट द कोलिजन. एंड इनके दोनों फोर्सेस के अलावा कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे. ऐसे सिस्टम को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है, इसका भी प्रूफ अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में सेकंड नंबर की वीडियो देखो, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मीन्स एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो By Newton's third law, second law का थोड़ा सा यूज करेंगे हम. सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ है या किसी भी ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया है, मोमेंटम में चेंज इज नेसेसरी. dP1/dt ये क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मीन्स पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है, पहले मास पे फोर्स लगा है. अगर पहले मास पे फोर्स लगा है, इट मीन्स फोर्स ऑन वन क्या डिटरमाइन करेगा? पहले के मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, उस सेकंड के मोमेंटम में चेंज करेगा. dP2/dt दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. एज वी हैव टेकन एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, इट मींस बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा. अगर बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा, सो टोटल फोर्स इज F12 प्लस F21. This is vector dP1/dt. Left hand side में add कर दें और right hand side में add कर दें. Now as by Newton's third law F12 is equal to minus F21 है. So यहाँ पे आप अगर F12 की जगह पे minus F21 रखते हैं by using third law. F21 की जगह पे F12 की जगह पे माइनस F21 रखा. एंड d/dt मींस डिफरेंशिएशन ऑफ P1 + P2, कॉमन निकाल लिया, कैंसिल. सिमिलर में से सिमिलर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी? जीरो. सो नेट रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इज resultant change in momentum of whole system, it means dP1 + P2/dt is equal to zero. And now what is d/dt? Small change in momentum of whole system with respect to time, and this is equal to zero. अगर किसी भी system के momentum में change, net change zero है, इसका मतलब that momentum is constant. और ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है, इट मींस P1 + P2, इट मींस P1 + P2 इज इक्वल टू जीरो.
और अगर पी वन प्लस सॉरी जीरो नहीं कॉन्स्टेंट पी वन प्लस पी टू इज मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम, और अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट है इसका मतलब वो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, और अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा इट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व। जो चीज चेंज नहीं होती टाइम के साथ वो चीज कंजर्व होती है ना। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर आप मैथमेटिकल वे से इसको समझें, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट, मीन्स कॉन्स्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। सो डी बाय डी टी ऑफ पी वन प्लस पी टू इज जीरो, हेंस पी वन प्लस पी टू इज अ कॉन्स्टेंट दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, दिस सिस्टम नहीं किसी भी सिस्टम का, एनी सिस्टम, नेट मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व, एंड दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स डाउट हैं कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू, एंड अगर प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको समझना है सो प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक का नाम डालें। मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इन दोनों के हर एक टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।